बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज निशमाला कादे, होप यू ऑल आर फाइन। आई एम गोइंग टू टेक योर बायोकेमिस्ट्री कोर्स 317। इन योर प्रीवियस सेमेस्टर इन बायोकेमिस्ट्री कोर्स यू हैव कवर्ड द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम, हार्मोन्स एक्सेट्रा। And in this semester, we will see how these biomolecules digested, absorb, and metabolize, and the different metabolic pathways we are going to study. And we will also see how the different processing are regulated. So the regulation of different metabolic processes will be studied in this course. And at the last, we will see the clinical importance of biochemistry regarding the diagnostic point of view. So let us start from our first topic, that is carbohydrate. As we are going to study the metabolic fate of different biomolecules, so we will start from the first biomolecule, the carbohydrate. So as you know, the basic chemistry of carbohydrate, now we will start from their digestion and absorption. So today we have our topic, digestion and absorption of carbohydrate. The digestion of carbohydrate basically start from our mouth when the food is come when the food comes to contact with the salivary glands in the mouth. So under the influence of salivary enzyme, it is broken down into smaller units, and then it is further digested in our digestive tract, and finally the highest डाइजेशन अगर इन द स्मॉल इंडस्ट्री। सबसे कम जो डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की वो माउथ में होती है, और सबसे ज्यादा जो है स्मॉल इंटेस्टीन में होती है। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है मोनोसैकेराइड, वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। सो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब हम फूड लेते हैं तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसमें मौजूद होते हैं। सो इट मे हैव स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च यू नो इट इज प्रेजेंट इन पोटैटो, ग्रेन, जीमेज, राइस। सो इट इज अ पॉलीसेकेराइड। एंड सेलुलोज, सेलुलोज इज प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स एंड ग्लाइकोजन इन मीट। सो द डाइटरी कार्बोहाइड्रेट मे हैव पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, एंड सबसे जो बड़ा मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का समझा जाएगा वो पॉलीसेकेराइड। सो पॉलीसेकेराइड हम डिफरेंट सोर्सेज से, फूड के सोर्सेज से लेते हैं, और ये हमारी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होती है एंड देन इट इज एब्सॉर्ब इन द ब्लड। सो ये तो कुछ सोर्सेज हो गई पॉलीसेकेराइड की जो कि हमारी डाइट में मौजूद होती है। उसके बाद डाइसेकेराइड, तो डाइसेकेराइड जो कि टू मोनोसेकेराइड पे मुश्तमिल होता है, दैट इज सक्रोज। सक्रोज शुगर कैन से मिलती है जो कि डाइट डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं। लैक्टोज दही प्रोडक्ट्स में मौजूद होता है। माल्टोज भी डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह में हो सकता है, डेट में और हनी में, और डिफरेंट अदर सोर्स में हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के डाइसेकेराइड भी हमारी डाइट में शामिल होते हैं। देन बात करते हैं मोनोसेकेराइड, जो सबके स्मॉलर यूनिट है। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर डाइटरी कार्बोहाइड्रेट। हम डिफरेंट सोर्सेज से सपोज फ्रक्टोज और पेंटोज शुगर ले रहे होते हैं, लाइक ज़ाइलोज, अरबिनोज एक्सेट्रा। सो ये तमाम जो फूड हम ले रहे होते हैं डाइटरी कार्बोहाइड्रेट जिसमें मौजूद होता है, ये सब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम
ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर यूनिट में, और सबसे स्मॉलर यूनिट यू नो मोनोसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड आपके डाइजेस्ट होते हैं, ब्रेक डाउन होता है इनका स्मॉलर यूनिट में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम इन आर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंड इट इज स्टार्टेड राइट फ्रॉम द माउथ व्हेन द फूड इज कम इन कॉन्टेक्ट टू माउथ। जब हम लिक्विड डाइट ले रहे होते हैं लाइक सूप, मिल्क, जूसेस, इट ऑल्सो हैज डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसकी डाइजेशन माउथ में जाहिर है क्योंकि हम च्यूइंग नहीं कर रहे होते, तो जो माउथ में डाइजेशन है इसकी वो स्केप हो जाती है। अच्छा जी, बात करते हैं डाइजेशन की। जो डाइजेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि डाइजेशन स्टार्ट हो रही है राइट फ्रॉम द माउथ, माउथ के अंदर से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है जैसे ही आप फूड को लेते हैं मुंह में, तो अंदर इन्फ्लुएंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंजाइम रिलीज होता है और आपकी जो मैक्रो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल है लाइक पॉलीसेक्राइड वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सलाइवा ड्यूरिंग द मैस्टिकेशन। जैसे आप च्यूइंग स्टार्ट करते हैं आपका सलाइवा रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड अमाइलेज, और आपके जो हायर मॉलिक्यूल है पॉलीसेक्राइड का वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है टू डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड। ये एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, इट रिक्वायर्स क्लोरीनाइन फॉर द एक्टिवेशन एंड द पीएच इन द माउथ व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ दिस एंजाइम इट इज इन द रेंज ऑफ 6.6 to 6.8 एंड ऑप्टिमम पीएच इज 6.7। इस पीएच पे ये एंजाइम एक्टिवेट होता है और आपकी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है। करता क्या है ये एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंट लिंकेजेस होते हैं जिससे वो मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन होते हैं, तो 1/4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस को ये ब्रेक डाउन करता है, सो अल्टीमेटली पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन वगैरह, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक माल्टोज एंड डिफरेंट ओलिगोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में ब्रेक डाउन होती है उसकी। अच्छा, इस मॉलिक्यूल इस एंजाइम की जो कि रिक्वायरमेंट है पीएच की, सो अगर ये एंजाइम ये पीएच ना मिले तो ये ब्रेक डाउन और एंजाइम काम नहीं कर सकता। सो ये एंजाइम स्टमक के लेवल पे जहां पे पीएच बहुत कम होता है जो कि 3 होता है, तो इस पीएच पे एंजाइम काम नहीं करेगा और इसीलिए हम कहते हैं कि स्टमक में डाइजेशन जो है वो ना होने के बराबर होती है कार्बोहाइड्रेट की। लिंकेजेस की मैं बात कर रही थी कि देखिए लाइक यहाँ पे हम लाइक लेते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और डेक्सट्रिन। अब ये जो पॉलीसेक्राइड है स्टार्च ग्लाइकोजन वगैरह, ये ब्रेक डाउन होगा टू स्मॉलर यूनिट लाइक ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड, माल्टोज, डाइसेक्राइड और इस तरह से और डिफरेंट ओलिगोसैकेराइड भी हो सकते हैं। सो ये बेसिकली ब्रेक डाउन कर रहा है आपका 1/4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस पे, ये 1/4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस है और इसको ये ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं फॉर्म हो जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम अमाइलेज इन द पीएच 6.7। इन द लेवल ऑफ स्टमक नो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग और ब्रेक डाउन इज अकर बिकॉज नो एंजाइम प्रेजेंट फॉर इट्स डाइजेशन इन द स्टमक। सम हाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक विल हाइड्रोलाइज द डाइट्री इज सपोज टू ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Now the food bullets come in duodenum. Stomach के बाद food duodenum में आएगा और फिर late part of small intestine में, और इस track में भी different enzyme इस पर act करके इसको break down करेंगे carbohydrate polysaccharide के molecules को and then further disaccharide
ऑलिगोसैकेराइड्स को फर्दर स्मॉलर यूनिट में ब्रेक करेंगे, दैट देन इट विल बी एंड द मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल विल बी एब्सॉर्ब इन द ब्लड. सो ड्यूडेनियम के लेवल पे पैनक्रेटिक एंजाइम दैट इज पैनक्रेटिक एमाइलेज एक्ट करेगा और पॉलीसैकेराइड को ब्रेक डाउन करेगा और माल्टोज ऑलिगोसैकेराइड डिफरेंट डाइसैकेराइड ऑलिगोसैकेराइड की फॉर्मेशन होगी. उसके बाद लेटर पार्ट ऑफ द इंटेस्टीन स्मॉल इंटेस्टीन में और डिफरेंट ये जो इंटेस्टिनल जूस है इसमें भी अमाइलेज होगा दैट इज कॉल्ड इंटेस्टिनल अमाइलेज और डिफरेंट स्पेसिफिक एंजाइम लाइक माल्टेज सक्रेज एंड लैक्टेज के एक्शन से फाइनली ब्रेक डाउन हो जाएगा और स्मॉलर यूनिट्स मोनोसैकेराइड के बनेंगे और वो ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे. सो देखें कि ये होता कैसे. इन द लेवल ऑफ ड्यूडेनम पैनक्रेटिक एंजाइम दैट इज कॉल्ड पैनक्रेटिक एमाइलेज एंड इज आल्सो कॉल्ड एमाइलोप्सिन. ये सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करेगा लाइक सलाइवरी एमाइलेज की तरह बट देयर आर लिटिल डिफरेंस. वहां पर पीएच की रिक्वायरमेंट लोअर थी और यहां पर पीएच की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा है दैट इज 7.1. सिमिलरली वहां पर भी क्लोरीन आयन की जरूरत थी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ दैट एंजाइम. यहां पर भी ऐसे होगा और ये सिंपली वही लिंकेज को ब्रेक डाउन करेगा जो कि स्लेवरी अमाइलेज ने वहां पे किया था. 1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस को ब्रेक डाउन करेगा पॉलीसेक्राइड के फर्दर यानी कि जो जो ब्रेक डाउन हुई थी एट द लेवल ऑफ माउथ स्लेवरी अमाइलेज के अंदर वो कंप्लीट तो नहीं थी तो यहां पर उसकी फर्दर ब्रेक डाउन होगी और पॉलीसेक्राइड ऑलिगोसैकेराइड और माल्टोज में और मीन्स के ऑलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होगा. आफ्टर ड्यूडेनम द फूड कम इन लिटर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन. सो इन द स्मॉल इंटेस्टीन डिफरेंट एंजाइम एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट. सो एट दैट स्टेज इंटेस्टिनल अमाइलेज एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट दैट मे बी पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड एंड ब्रेक डाउन द टर्मिनल यानी कि एंड से 1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस. सो दैट प्रोसेस विल लीड द स्मॉलर मॉलिक्यूल और मॉलिसेक्राइड दैट मे बी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज. अब कुछ और स्पेसिफिक एंजाइम्स एक्ट करेंगे डाइसेक्राइड्स पर भी जो उसको ब्रेक डाउन करेंगे फर्दर मोनोसैकेराइड पे लाइक लैक्टेज. एज द नेम इंडिकेट लैक्टेज विल एक्ट ऑन लैक्टोज एंड लिबरेट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बिकॉज द लैक्टेज इज द लैक्टेज कंटेन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. सो व्हेन द लैक्टेज एक्ट ऑन दिस डाइसेक्राइड लैक्टोज सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड विल बी जनरेटेड वन इज ग्लूकोज एंड अदर गैलेक्टोज. This specific enzyme needs the specific pH that is 5.426. Another enzyme, isomaltase. This enzyme basically catalyzes the 1,6 glycosidic linkages, and that is why it breaks down at the terminal of alpha limit dextrin which is already formed from starch and thus it will produce maltose glucose or means monosaccharide and disaccharide from this specific alpha limit dextrin because it is having glucose unit. So if there is two glucose unit that it will be of it will be called maltose and or simple monosaccharide that is glucose. Next enzyme, maltase, it will hydrolyze the 1,4 glycosidic linkage. Means, अगर maltose है और two glucose units है इसमें तो ये 1,4 glycosidic linkage को 1,4 glycosidic linkage को break करके glucose के molecules बनाएगा. और इसकी भी specific requirement है pH range की that is 5.8 to 6.2 pH. इस pH level पे maltase act करके माल्टोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा स्मॉलर यूनिट दैट इज मोनोसैकेराइड एंड द नेम इज ग्लूकोज और ग्लूकोज बिकॉज माल्टोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. अ
ये जो प्रोसेस हो रहा है ये हो रहा है ब्रश बॉर्डर पर। ब्रश बॉर्डर क्या, जो माइक्रोविलाए हैं और जो ल्यूमिन से अंदर वाला जो हिस्सा है वहां पर, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, ये यहां पर ये एक्शन हो रहा है इस लेवल पर ब्रश बॉर्डर के अंदर, मतलब ल्यूमन में रिलीज एंजाइम मौजूद नहीं है, बल्कि ब्रश बॉर्डर इस इंटेस्टिनल वॉल के अंदर से एंजाइम एक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट डाइजेशन हो रही है माल्टोज की, और ये माल्टोज ब्रेक हुआ ग्लूकोज में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माल्टेज। ठीक है, फिर यहां पर ये फर्दर प्रोसेस के लिए रेडी है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। वापस आते हैं यहाँ, नेक्स्ट एंजाइम इज सक्रेज। सिमिलरली लाइक माल्टेज, सक्रेज एक्ट ऑन सक्रोज एंड इट विल प्रोड्यूस द टू मोनोसैकेराइड, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एंड इट रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक पीएच 5 to 7 pH। 5 to 7 pH पर ये सक्रोज क्रैक करेगा जो कि कॉन्टेक्ट डाइजेशन के थ्रू, और सक्रोज और फ्रक्टोज के, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मोनोसैकेराइड बनेंगे। सो लैक्टेज हो, सक्रेज हो या माल्टेज हो, ये कॉन्टेक्ट डाइजेशन के जरिए स्पेसिफिक डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर रहा है। लाइक सक्रेज है तो सक्रोज को वो ब्रेक डाउन कर रहा है, और माल्टेज है तो वो माल्टोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना रहा है, इसमें लैक्टेज है तो वो लैक्टोज को अपने स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक कर रहा है, और फिर अल्टीमेटली जो मोनोसेक्राइड बन जाएंगे वो रेडी होंगे ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए। आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन टिल द स्मॉल इंटेस्टीन, जब स्मॉल इंटेस्टीन तक तमाम पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड का ब्रेकडाउन हो गया, स्मॉलर यूनिट दैट इज मोनोसेक्राइड की फॉर्मेशन हो गई, देन द मोनोसेक्राइड आर रेडी टू बी एब्जॉर्ब इन द ब्लड फ्रॉम फ्रॉम द ल्यूमेन। सो इट इज क्लियर दैट जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे वो किसी भी मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड की फॉर्म में हो, ऑलिगोसैकेराइड की फॉर्म में हो, पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में हो, अल्टीमेटली उसका ब्रेकडाउन डाइजेशन के बाद मोनोसैकेराइड में होगा और वो फाइनली एब्जॉर्ब होंगे ब्लड में। सो अगर लैक्टेज है तो वो एक्ट करेगा लैक्टोज पर, और गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बने, दैट विल बी एब्जॉर्ब इन द ब्लड, एंड सक्रेज है तो दैट विल एक्ट ऑन द सक्रोज एंड फॉर्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एंड सिमिलरली माल्टेज है तो माल्टोज के पर एक्ट करके उसने टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के बनाए, एंड देन दीज ऑल मोनोसैकेराइड आर एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टीन इन टू द ब्लड। सो द नो कार्बोहाइड्रेट हायर देन मोनोसैकेराइड कैन बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम इन नॉर्मल हेल्थ। सो जब हम बात करते हैं कि हम पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अगर ग्लूकोज को, तो वो इसको एज अ फॉरेन बॉडीज लेता है और एलिमिनेट कर देता है बॉडी से, तो और डाइजेशन के थ्रू या ओरल के थ्रू माउथ के जरिए जो भी हम डाइट्री कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसका फाइनल जो एंड प्रोडक्ट निकलेगा वो मोनोसैकेराइड होगा आफ्टर द डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन वो, और वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। अब बात करते हैं इसकी रेट की, जो मोनोसैकेराइड डिफरेंट टाइप्स के बने हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम राइट फ्रॉम द माउथ टू द स्मॉल इंटेस्टीन, यहां से डाइजेशन होती हुई जो आई है और हमें स्मॉलेस्ट यूनिट मोनोसैकेराइड के मिले हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड मे बी पेंटोज शुगर, ये सारे किस तरह से किस रेट पर एब्जॉर्ब होते हैं, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का रेट सबसे फास्ट होता है, और उसमें भी गैलेक्टोज का रेट ग्लूकोज से भी थोड़ा ज्यादा होता है, जबकि फ्रक्टोज और मैनोज की जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो इंटरमीडिएट है, और पेंटोज भी इंटरमीडिएट से भी थोड़ा कम स्लोली एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टीन से ब्लड में।
कैसे ये एब्जॉर्ब होते हैं? बेसिकली दे आर डिफरेंट मैकेनिज्म थ्रू विच दिस मोनोसाइट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन टू द ब्लड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल डिफ्यूजन. ऑलमोस्ट ऑल द मोनोसाइट एट अ सर्टन at a certain level or certain extent absorb through simple diffusion. क्या है simple diffusion? Simply concentration gradient. यहाँ पे concentration ज्यादा है और blood में कम, तो ये simple diffusion के through blood में आएंगे. And see here, यहाँ पर time dependent, यहाँ पे ज्यादा है concentration, तो ये यहाँ पर क्रॉस करते हुए ब्लड के अंदर आ गए. ब्लड ये अपना लिपिड बैरियर को क्रॉस करते हुए ये ब्लड के अंदर एंटर हो गए. तो सिंपल डिफ्यूजन इज बेसिकली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो ऑल द मोनोसैकेराइड आर प्रोबेबली एब्जॉर्ब टू सम एक्सटेंट बाय सिंपल पैसिव डिफ्यूजन डिपेंडिंग ऑन देयर कंसेंट्रेशन. कितनी कंसेंट्रेशन है यहाँ पर, तो वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ आएगा और इस तरह से उसकी डिफ्यूजन होगी. बट इट इज टू सम एक्सटेंट, ये किसी हद तक होगा. तो सिंपल डिफ्यूजन एक हो गई. द सेकेंड मैकेनिज्म फॉर कार्बोहाइड्रेट और मोनोसैकेराइड एब्जॉर्प्शन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. इस मैकेनिज्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट, as glucose and galactose are absorbed very rapidly and hence they require energy to be absorbed in the blood. Let us see our theory. Wilson and Bain hypothesis theory. According to them, sugar are actively transported via chemical features that are common in here we have a hypothesis according to Wilson-Crane's hypothesis. The sugar molecules that is going to be absorbed via active transport should have following characteristics. What are these characteristics? Kya hona chahiye? The molecule should be six member ring, or the molecule should have six member ring. Here we have the glucose molecules, which is six member ring. Second, it must have another carbon attached to carbon 5. So we can easily see here that there is carbon, another carbon that is attached at carbon 5, or hydroxymethyl group is attached basically at carbon 5. Third, it must have hydroxyl group at carbon 2. And here is hydroxyl group that is attached at carbon 2. So ये तमाम characteristic जो है वो डी ग्लूकोज में मीट कर रही है, that's why it is absorbed via active transport. Active transport also required carrier protein, as I already told you. तो carrier protein की क्या requirements है, किस तरह का उसको होना चाहिए? They must the carrier protein must have two binding sites. And one is for sodium and another is for glucose. वो glucose के साथ ही जब sodium attach होगा तभी वो glucose को bind करेगा to be absorbed in the blood. And that carrier protein must be specific for sugar. And it should be mobile. And it is sodium dependent. ये मैंने आपको पहले बताया कि sodium जब sodium को bind होना जरूरी है. अगर sodium bind नहीं होगा तो उसके अंदर वो conjugation आएगी नहीं, जिससे वो ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करें.
और इसको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दो चीजें चाहिए आपको, क्लियर प्रोटीन और एनर्जी, इन दोनों की मौजूदगी में ही आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिवेट होगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू शुगर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे। जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एटीपी के फॉर्म में मिलेगी और विद इंट्रैक्शन विद सोडियम सोडियम पंप और सोडियम डिपेंडेंट शुगर कैरियर प्रोटीन, इस मैकेनिज्म के जरिए शुगर मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेट होंगे विद इन द सेल। एंड ये जो अब शुगर मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेट हुए, ये रिवर्स बैक अप ल्यूमेन में नहीं होंगे, क्योंकि सोडियम पहले बाइंड हो गया, तो प्री रिक्विजिट है सोडियम का बाइंड होना। ठीक है, सो दिस सिस्टम इज बेसिकली द को ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें पहले आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, और कैरियर प्रोटीन में भी दो बाइंडिंग साइट होनी चाहिए, एक सोडियम के लिए और एक ग्लूकोज के लिए। सोडियम पहले बाइंड होगा और फिर कॉन्फिगरेशन चेंजिंग आएंगे प्रोटीन के अंदर, कैरियर प्रोटीन के अंदर, और इसके बाद ही वो ग्लूकोज को बाइंड करेगा, और ये फिर रिवर्स बैक नहीं हो सकता। इस तरह से इसमें कॉन्फिगरेशनल चेंजिंग आ जाएंगी और वो फिर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहां देखें, दैट इज द एनर्जी एटीपी, एंड हियर आर टू बाइंडिंग साइट, वन इज फॉर ग्लूकोज एंड अदर इज फॉर सोडियम। इस तरह से सोडियम पहले बाइंड होगा, फिर ग्लूकोज बाइंड होने के बाद ये ग्लूकोज इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल के अंदर आया, और अब ये यहां से रिवर्स बैक नहीं होगा, बल्कि ये यहां पर ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएगा। अनदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक्चुअली सम मॉलिक्यूल्स लाइक फ्रक्टोज नॉट एब्जॉर्ब सो रैपिडली, सो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल कैन नॉट बी इजली एब्जॉर्ब वाया सिंपल डिफ्यूजन, दे रिक्वायर सर्टन फैसिलिटेशन, एंड दैट इज वाई इट्स कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एंड दे रिक्वायर फैसिलिटेशन वाया कैरियर प्रोटीन, अ स्पेसिफिक प्रोटीन थ्रू विच दे आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड, एंड दिस द प्रोसेस इज अकरिंग, दिस प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द लिपिड बायलेयर ऑफ द सेल, वेयर द ग्लूकोज फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स आर अटैच एंड कम इन द इंटेस्टिनल सेल एंड देन इनटू द ब्लड। सो डिफरेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आर प्रेजेंट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फॉर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। सो द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सोडियम डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड SGLT और इज इट डिनोटेड बाय SGLT1, एंड इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी, and it has different function like uptake of glucose against constituent gradients, and that must require energy and sodium. It is sodium dependent and energy dependent, as I already told you. But the glucose transporters that is required for facilitated transport of monosaccharides, it shows bilateral or bidirectional transport of monosaccharide like glucose, like fructose. Glucose transporter 1 present in red cells, brain, kidney, colon, and it facilitate the glucose uptake independent of insulin, while glucose transporter 2 present in liver, kidney, small intestine, beta cell of pancreas, and they facilitate the rapid uptake of or release of glucose, while glucose transporter 3 present in brain, kidney, placenta, and it is required for glucose uptake. Glucose transporter 4 situated or present in skeletal muscles, adipose tissue, heart, and it is insulin stimulated glucose uptake is regulated by glucose transporter 4. Glucose transporter 5 present in small intestine, testis, sperm, and it has poor ability to transport glucose. Fructose transporter is basically facilitated by this.
ग्लूकोज टॉक टू द स्टार्विंग प्रेजेंट इन लिवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू साइटोप्लाज्म. सो दीज आर द कैरियर प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल, कैन नॉट रिवर्स बैक द ग्लूकोज और मोनोसल्फाइड मॉलिक्यूल, व्हाइल द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल. वी विल सी लेटर ऑल्सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. Now the mechanism through which the facility transport is occurred. The mechanism is also called ping pong mechanism. So in this case, mein kya hua? Depending on the concentration gradient, jis tar concentration zyada hai, pong stage hui. Pong stage mein molecules attach hui carrier protein ke saath, aur phir configuration changes hui. Uske baad jo attach hui the monosaccharide, wo release ho gaye. To be absorbed in the blood. Here we have some differences and similarities between facilitated transport and active transport. कुछ requirement same है active और facilitated transport system की, और कुछ इनके लिए इनमें differences हैं. Similarities की बात करते हैं ना, both required carrier protein. Both show specificity. Specific carrier protein is required for specific transport. Like a carrier transporter one that is sodium dependent is required for active transport, and for facilitated transport, other protein which are also specific to specific sugar are required. Both have a specific binding site for solute, which is here monosaccharide. K is saturable, so the maximum rate of transport is occur, which is also same for both, and there is same binding constant for monosaccharide, whether facilitated transport or active transport. Now, what are the differences? Differences kya hai dono mein? Basic two differences are there. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल, उसमें रिवर्स बैक नहीं हो रहा, जबकि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में बाईडायरेक्शनल है. जहां पर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, पंप स्टेज में आया आ जाएंगे कैरियर प्रोटीन, और फिर एक्टिव फिर दोबारा से पिंग स्टेट में आ जाएंगे, जहां पर उनको रिलीज करना होगा मोनोसैकेराइड्स को. इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जबकि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंटली, वी शुड नो द फैक्टर विच आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट मोनोसैकेराइड विच आर फॉर्म आफ्टर डाइजेशन. जो मोनोसैकेराइड फॉर्मेशन हुई है, उसको एब्जॉर्ब होने में कुछ फैक्टर्स हैं जो उस पर अफेक्ट करते हैं. लाइक फर्स्ट स्टेट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इंटेस्टिनल लाइनिंग की, वो उसका स्टेट क्या है? इफ देर इज प्रॉब्लम इन द म्यूकस स्टेट और डिजीज और एनी अदर थिंग बिकॉज ऑफ विच इट इज नॉट इन प्रॉपर स्टेट, सो एब्जॉर्प्शन पर इफेक्ट आएगा और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी. सिमिलरली जो टाइम है जिससे जिसके जिसमें वो कार्बोहाइड्रेट कॉन्टैक्ट में आएंगे म्यूकस मेम्ब्रेन के एब्जॉर्ब होने के लिए, अगर वो कम है तो भी एब्जॉर्प्शन उसकी कम हो सकती है. दूसरा फैक्टर हमारे पास हार्मोन्स. डिफरेंट हार्मोन्स आर प्लेइंग देयर रोल इन द एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. दे आर इफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक थायरॉइड हार्मोन. दिस इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हेक्सोजिस एंड directly act on the intestinal mucosa. Hexosis means glucose or galactose. क्योंकि hormones, thyroid hormones basically control कर रहे होते हैं दूसरे hormones को भी. यहाँ पर इसके अगर इसमें
अगर ये मौजूद इनकी क्वांटिटी ज्यादा है या तो उसमें क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन एल्वेओल्स की बढ़ सकती है और ये डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे इनकी एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइनल म्यूकस से। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस इन एड्रिनल कॉर्टेक्स डिफिशियंसी, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की डिफिशियंसी है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसकी या कोई डिजीज है इसकी वजह से भी कंसंट्रेशन सोडियम का बॉडी में जाहिर है कम होगा, क्योंकि जो हार्मोन्स है वो सोडियम लेवल को मेंटेन करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बॉडी के अंदर, और सोडियम लेवल जब इफेक्ट करेगा ब्लड में तो अल्टीमेटली जो एब्जॉर्प्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो इफेक्ट होगी। इसी तरह से इंटीरियर पिट्यूटरी में अगर प्रॉब्लम है वो भी हार्मोन्स के रिलीज के लिए तो थायराइड हार्मोन्स पर इफेक्ट होगा, अल्टीमेटली जो इफेक्ट आएगा वो ग्लूकोज की या अमोनोसैकेराइड की एब्जॉर्प्शन में आएगा। दिस बेसिकली इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन मेनली थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ थायराइड बिकॉज थायराइड हार्मोन्स इज रेगुलेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। सो हाइपर पिट्यूटरीज्म वेयर द हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स आर प्रोड्यूसिंग इट इंड्यूसेस थायराइड ओवर एक्टिविटी एंड इफ द रिलीज इज डिक्रीज सो रिवर्स प्रोसेस अगर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड अगर। इंसुलिन ऑल्सो अफेक्टिंग द ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बिकॉज अगर इंसुलिन की मिकदार कम है तो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज का बॉडी में बढ़ जाएगा और उसकी एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगी। विटामिन आल्सो रिक्वायर्ड बिकॉज मोस्टली बी विटामिन आर आल्सो इन्वॉल्व इन डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग, और ये असल में यूं होता है कि अगर कंसंट्रेशन डिपेंडिंग एब्जॉर्प्शन होती है तो अगर मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट आएगा उसकी कार्बोहाइड्रेट की तो अल्टीमेटली उसकी कंसंट्रेशन पे भी इफेक्ट आएगा ब्लड के अंदर और उसकी एब्जॉर्प्शन पे भी आएगा। अगर कंसंट्रेशन ब्लड पे ज्यादा हो गई है तो एब्जॉर्प्शन पर इफेक्ट आएगा और एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है, और कंसंट्रेशन जाहिर है ग्लूकोज की डिपेंड करेगी विटामिन बी पर भी क्योंकि वो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व है, लिहाजा विटामिन की डिफिशियंसी भी एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को अफेक्ट करेगी। एस डिफरेंट एंजाइम्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सो अगर किसी स्पेसिफिक एंजाइम की डिफिशियंसी है लाइक सक्रेज की है लैक्टेज की है तो स्पेसिफिक जो ब्रेकडाउन है वो नहीं होगा और उसकी एब्जॉर्प्शन फिर नहीं हो सकेगी। सो समराइज कर लेते हैं क्या क्या आज हमने कवर किया। हमने राइट फ्रॉम द डाइजेशन टू द एब्जॉर्प्शन एंड द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी हैव कवर टुडे। हमने डाइजेशन देखी जो कि स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम द माउथ, जैसे ही माउथ से कॉन्टेक्ट में आता है डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट की जहाँ स्टार्ट होती है पॉलीसेक्राइड से ओलिगोसेक्राइड डाइसेक्राइड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद जो मैक्सिमम ब्रेकडाउन यहाँ पे होने के बाद स्टमक में आता है। स्टमक में कोई खास स्प्लिटिंग नहीं होती है बिकॉज देयर आर डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, सिर्फ हाइड्रोलाइसिस सम स्टेजेस पे होता है सपोज का लाइक। उसके बाद वो ड्यूडेनियम में आता है, ड्यूडेनियम में डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करते हैं, पेनक्रेटिक एंजाइम एक्ट करता है बेसिकली, और उसके बाद वो मजीद लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और डिफरेंट इंटेस्टिनल अमाइलेज एंड देन सक्रेज लैक्टेज माल्टेज ये कॉन्टेक्ट डाइजेशन के जरिए उस पर एक्ट करके सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड की फॉर्मेशन इंटेस्टिनल स्मॉल इंटेस्टिनल के लेवल पे होती है और उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर। एब्जॉर्प्शन के लिए मजीद मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन में टू बेसिक मैकेनिज्म है, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एब्जॉर्ब सिंपल डिफ्यूज कंसंट्रेशन के अगेंस्ट है और सिंपली डिफ्यूज हो रहे होते हैं मोनोसैकेराइड ब्लड में, कोई एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है और मोस्टली टू सम एक्सटेंट सारे मोनोसैकेराइड एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। इसके अलावा
स्टेजेस पे और लाइक ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, जहां पर पहले प्रोटीन भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होती है, जो एनर्जी की जहाँ रिक्वायरमेंट तो नहीं होती लेकिन फैसिलिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और जिसके लिए यहाँ पास कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं। ठीक है जी। फिर हमने देखा कि कुछ एब्जॉर्प्शन कुछ फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन और कार्बोहाइड्रेट पे इफेक्ट कर रही हैं, और उसमें हमने कुछ फैक्टर्स देखे लाइक एंजाइम की डेफिशिएंसी, विटामिन्स की रिक्वायरमेंट, और हार्मोनल हार्मोनल इफेक्ट, और म्यूकसल मेम्ब्रेन का स्टेट और ड्यूरेशन उस कार्बोहाइड्रेट की इंटेस्टीन में उसका ड्यूरेशन कितनी देर तक हो रहता है। ठीक है जी। सो इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज।